आज एक गाना रिलीज हुआ है आदिशक्ति चैनल से, ललकी टिकियवा, उस गाने का वीडियो रिलीज हुआ है और उसी गाने पे कुछ बात करना है आप लोगों से, उन सब से जो हमारे हैं, जो हमको अपना समझते हैं, उन सब से जो भोजपुरी सुनते हैं, और उन सब से जिनकी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, जो भी है अगर उनकी कुछ ना कुछ भागीदारी है, चंदन लाल यादव जी, सबसे पहले आपको बता दें ये गाना रिलीज हुआ है आदिशक्ति फिल्म से। ललकी टिकियवा इसका ऑडियो 6 महीने पहले रिलीज हुआ था, लगभग ऑडियो इसका 9.5 M मतलब कि 95 लाख व्यू गया है इस गाने का। 6 महीने बाद इसका वीडियो आया है और इस गाने का म्यूजिक बनाया है राजगा जी पुरी जी, जो कि बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जीतू भोजपुरिया जी जय हो, बहुत ही अच्छे वीडियो डायरेक्टर हमारे परम मित्र बड़े भाई जीतू भोजपुरिया जी। तो इस गाने को मैंने लिखा है, ये गाना आदिशक्ति चैनल पे रिलीज है, इसको गाए हैं आप लोगों के चहेते खेसारी लाल यादव जी, और फीमेल वॉइस में है इस गाने में अंतरा सिंह प्रियंका जी का। और कल एक पोस्ट किया था राजगाजी पुरी जी ने, और मुझे फ़ोन भी आया था उनका कि उनके इस गाने में किसी और का भी नाम जोड़ा गया है, डाला गया है, तो मैंने चेक किया तो उसमें म्यूजिक में राजगाजी पुरी जी, अरेंजर में श्याम करके नाम डाला गया था। वो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे भी, चाहे किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी, जो भी काम करता है अपने नाम के लिए करता है, उसको क्या पैसा मिलता है, कितना मिलता है वो उसको पता होता है, जो देता है उसको पता होता है, पब्लिक नाम से ही जानती है। तो मैं ये बता दूं कि ये वो ग्रुप है, मैं कभी बोलता नहीं और बोलना चाहिए सबको, अपनी बात रखनी चाहिए लोगों में। तो मैं ये बता दूं कि ये वो ग्रुप है जो ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं भी हूं, ये ग्रुप वो साबित करना चाहता है कि मैं ही हूं। और सुबह सुबह मैंने महेश पांडे जी का 2 वीडियो देखा जिसमें उन्होंने राजगाजी पुरी जी की भी बात रखी थी, और नेक्स्ट उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया था कि उस चैनल से किसी ने इस चीज़ का जवाब दिया है कि मिस्टेक से हो गया है। तो हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर मेरा नाम कुंदन प्रीत है तो मिस्टेक से कुंदन की जगह टुंडन हो सकता है, फुंदन हो सकता है, मुंदन हो सकता है, मिस्टेक से कुंदन की जगह पप्पू नहीं हो सकता, ये कोई भी डिजाइनर हो, कोई भी लिखने वाला हो। और भोजपुरी एल्बम में मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, जितना भी है 4 सालों का 5 सालों का, तो मैंने पहली बार देखा है कि ऑडियो में किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम हो और वीडियो में उसमें अरेंजर का नाम जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे जिसको भी लगता है कि हम भोजपुरी से नहीं है, भोजपुरी हमसे हैं, हम भोजपुरी का कायाकल्प कर देंगे, भोजपुरी का हम कायाकल्प कर सकते हैं, तो वो गलत फहमी में है। ये भोजपुरी का, भोजपुरी भाषा का और हमारे भोजपुरी सुनने वाले श्रोताओं का ये आशीर्वाद है कि इससे बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, बहुत लोग जी रहे हैं, नाम पा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके दिमाग में ये कीड़ा घूम रहा है कि भोजपुरी मुझसे है, और ये बात उनके मन में ना होगे कि मैं भी हूं, ये बात उनके मन में घुसी हुई है कि मैं ही हूं। ऐसी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक मैं बता सकता हूं,
यहाँ पे अपनी गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सर का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दिया जाए। ये गाना 6 महीने पहले रिलीज हुआ था। 6 महीने पहले ये गाना रिलीज हुआ और मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा 2 मिनट देख के सुनिएगा, समझिएगा, और ये भी बताइएगा जो बात मेरी गलत लग जाए कि ये बात हमने गलत बोल दी है। ये गाना 6 महीने पहले रिलीज हुआ, इसका 9.5 मतलब कि 95 लाख इस गाने का व्यू गया है। उसी कंपनी पे उन गानों के वीडियोज आ चुके हैं जो इस गाने के बाद रिलीज हुए। इस गाने का वीडियो आज तक क्यों रुका रहा है? क्योंकि उसको कुंदन प्रीत ने लिखा था, कुंदन प्रीत ने लिखा था उस गाने को, इसलिए इस गाने का वीडियो आज तक रुका रहा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग खेसारी भैया के सारे वीडियो उठा के देखिए। आज से पहले खेसारी भैया के बहुत सारे वीडियो, एक है मुंबई में जीतू भोजपुरिया सेटिंग करा के जाकर वीडियो बनाए, अभी पबजी उन्होंने ही बनाया था, बहुत सारा वीडियो बनाया और सारे गाने और सारे वीडियो रिस्पॉन्स में भी रहे। ये लोग लिखित तौर पे टीम बना के टारगेट करते रहे कि वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है। आज वो पूरी टीम पता नहीं कहाँ सोई हुई है। आज लोग, आप लोग ललकी टिकियावा का वीडियो देखिए, उसको वीडियो नहीं, उसको डांस वीडियो कह सकते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उस गाने को कुंदन प्रीत ने लिखा है। 6 महीने बाद वीडियो आना, उसका रीजन सिर्फ मात्र एक है कि कुंदन प्रीत ने उस गाने को लिखा था। उसका वीडियो इतना तगड़ा बनना, 6 महीने तक शोध हो रहा था उस वीडियो पे, 6 महीने तक ये सारे वैज्ञानिक लोग मिल के तय किए कि इसका वीडियो ऐसा बनाया जाएगा, और वो धांसू वीडियो आप लोगों के बीच है। आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट दे के जरूर देखिएगा। इसी में कुछ लोग हैं, दो चार 10 लोग गिने चुने। गांव में एक कहावत होती है, जो अंधा कुत्ता होता है वो हवा चलने पे भी भौंकना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसे हैं ग्रुप में हम लोगों के जो लिखित तौर पे, कथित तौर पे ये बोलते हैं कि हम खेसारी लाल यादव जी के, खेसारी भैया के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये उन्हीं चीजों का विरोध कर, उनके ही चीजों का विरोध करते हैं, खासकर वो उनका जिनकी इन लोगों से नहीं बनती। तो ये लोग जैसे अंधा कुत्ता जो होता है हवा चलने पे भी भौंकता है, वैसे ये लोग भौंकना शुरू कर देते हैं। ये लोग उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं जिनको जो जो इनको सलाम नहीं करता। इन लोगों को ये लगता है कि राइट, एक सिंगर पे राइटर से, म्यूजिक डायरेक्टर से बड़ा अधिकार इन लोग का है। तो 6 महीने पहले जिस गाने का, जो गाना रिलीज हुआ, उसका वीडियो 6 महीने बाद आ रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिसका गाना लेट होता है, लेकिन उसी चैनल पे जो गाना इस गाने के बाद रिलीज हुआ, उसका वीडियो रिलीज हो गया टाइम से, और उस वीडियो की क्या क्वालिटी है और इस वीडियो की क्या क्वालिटी है, ये भी आप लोग देखिए। और वो लोग जो सोए हुए हैं, जो जो लगातार लिख रहे थे कि जीतू भोजपुरिया को वीडियो बनाने नहीं आता, ये लोग ये वीडियो भी देखें कि ये कितना धांसू वीडियो बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों को सलाम नहीं ठोकता और ना ही ठोकूंगा कभी। और इन लोगों को लगता है कि भोजपुरी इनसे है, ये जो चाहेंगे वो भोजपुरी में होगा। ये कल राजगाजीपुरी का नाम गायब कर दिए लोग, एरेंजर में नाम पता चला है। अभी महेश महेश पांडे जी ने बताया कि कोई बताया कि मिस्टेक से हो गया, लड़कों को आदत हो गया है ये नाम डालने का। ये लोग कभी मिस्टेक नहीं करते। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये जो ललकी टिकियावा रिलीज हुआ था, ये बात बहुत छोटी है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है, करने वाली बात है। वो वीडियो का आप लोग ऑडियो खोल के देखिएगा। इस ऑडियो से इन लोगों ने मेरा फोटो गायब कर दिया, नहीं डाला। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया कि आदत हो गई है उनको दूसरा फोटो, इनके डिजाइनरों को दर्द होता है किसी दूसरे का फोटो डालने में, और ऐसा नहीं है कि वो फोटो नहीं पड़ा तो मेरा पेंशन रुक गया, कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा, लेकिन जो अधिकार जिसका है उसको मिलना चाहिए। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, जो इन लोगों का ग्रुप है,
इस ग्रुप से बाहर का प्रोजेक्ट जो भी रिलीज होता है उसमें या तो म्यूजिक डायरेक्टर का फोटो गायब रहेगा, या तो राइटर का फोटो गायब रहेगा, या तो राइटर के जगह, और मेहरबानी है आप लोगों की कि आपने कुंदन के जगह किसी और राइटर का नाम नहीं डाला सहयोग में, जैसे राजगाजीपुरी के नीचे डाल दिया था आप लोगों ने अरेंजर में। और एक वीडियो जो है मेरा गाना, इससे भी पहले हमको लगता है कि उस गाने को रिलीज हुए हो गया 1 साल, एक साल पहले रिलीज हुआ था, कमर में दर्द ना रहे, उस गाने को मैंने लिखा था। उस गाने का 1 साल बाद डांस वीडियो रिलीज हुआ, क्यों? और उस भी तब जब उस गाने का वीडियो बना के, बकायदा बन के वीडियो 3 3 बार उस कंपनी में मेल हो चुका है, सबको पता है, आज सोनू पांडे जी को पता है, ये जीतू भोजपुरिया ने 3 3 बार मेल किया उस गाने का वीडियो। लोगों ने बोल दिया कि वीडियो अच्छा नहीं है, हम अच्छा वीडियो बना के डालेंगे। वीडियो क्या डाले लोग? डांस वीडियो उस गाने का, सिर्फ ये साबित करने के लिए, एक स्टार की नजरों में बने रहने के लिए कि आपके लिए जो है, हम आपकी सेहत के लिए सिर्फ हम लोग फायदेमंद हैं, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये साबित करने के लिए ये लोग ऐसा करता है। सिर्फ इसलिए, सिर्फ ये साबित करने के लिए उसी स्टार का गाना दबा के, और अपने ग्रुप से जो गाना करते हैं उसको प्रमोट करके ये दिखाते हैं उस स्टार के नजरों में, ये साबित करने के लिए कि आपके सेहत के लिए सिर्फ हम लोग फायदेमंद हैं, आपके लिए जो करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और ये पहला मिस्टेक नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत मिस्टेक हुए हैं यहां से। अभी 1 साल पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आप लोगों को पता होगा, एक ही गाना दो 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 लोगों से गवा के, कौन सा गाना था, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ ये सबको पता है। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक में प्रभु हैं ये लोग, इन लोगों के पास महारत हासिल है इस तरीके का मिस्टेक करने का। इस तरीके की भी शिकायतें हैं इंडस्ट्री में कि सिंगरों का गाना अपने चैनल से डिलीट करके वो गाना रिलीज किया गया है गवा गवा के, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम ही हैं, ये नहीं कि हम भी हैं, और इस धरती पे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको ये याद होना चाहिए कि वो भी है, सिर्फ वही है, ये किसी के मन में नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी भोजपुरी का एक छोटा सा हिस्सा है, भोजपुरी का कर्ता धरता नहीं है, भोजपुरी बहुत बड़ी है। यहाँ रेस एक को बांध के, एक को खुला छोड़ के रेस कराना है।